भारत के 75 साल होने के मौके पर हमारे मन में आता है। यह जो 75वां साल है, क्या यह जश्न मनाने का मौका है? क्या यह उत्सव मनाने का मौका है? क्या यह बधाइयों का मौका है? क्या यह उपलब्धियों का बखान करने का मौका है? या यह एक तरह की मातम की घड़ी है, दुख मनाने की, शोक मनाने की, और एक तरह से आत्मचिंतन करने की, आत्म परीक्षा करने की? एक मुल्क जो 75 साल का हो गया, 75 साल के होने के बाद वह मुल्क इतना असुरक्षित कैसे महसूस कर रहा है, और स्वयं अपने भीतर कि उसमें उसकी सरकार हर किसी को राष्ट्रवाद का इंजेक्शन देना चाहती है। वह इस देश के नागरिकों पर इतना कम भरोसा, यह कि जैसे इस देश के लोग इसके पहले राष्ट्रवादी थे ही नहीं, और अब उन्हें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाना है, और इस वजह से तरह तरह की तरकीबें की जाएंगी। वह चाहे हर घर तिरंगा हो, जिसमें आप हर घर पर तिरंगा लगाने के अभियान के नाम पर एक तरह का जबरन आरोप कर रहे हैं राष्ट्रवाद का। आपने एक खबर देखी होगी, संभवतः उत्तराखंड की खबर है, जिसमें वहाँ के एक मंत्री ने आदेश दिया है कि उन घरों की तस्वीरें ली जाएं जिन घरों पर तिरंगा नहीं है। क्या करेंगे आप वो तस्वीरें लेकर? आपने हरियाणा की खबर सुनी होगी, जहाँ राशन डिपो पर राशन खरीदने के लिए जब लोग गए लेने के लिए, तो उनसे कहा गया अगर आप 20 रुपए का तिरंगा नहीं खरीदेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। यह एक तरह का जबरिया राष्ट्रवाद या जबरन राष्ट्रवाद है। यह जिस चीज पर सबसे पहले हमला करता है वह हमारी आजादी है। आज तक हिंदुस्तान में किसी को अपने राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ा। हम सब स्वाभाविक रूप से भारतीय हैं। हम अपने हाथ में तिरंगा लें या ना लें, हम राष्ट्रगान गाएं या ना गाएं, किसी को इसका हक नहीं मिलता कि वह हम पर एक आदेश आरोपित करे। सरकार को इसका हक तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। लेकिन मैंने इसके पहले कहा कि यह एक तरह की मातम की घड़ी है, एक तरह के आत्म परीक्षा की, आत्मलोचना की। क्यों? क्योंकि हम एक विश्वविद्यालय परिसर में खड़े हैं, लेकिन क्या सचमुच यह विश्वविद्यालय का परिसर है? हम विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी गेट के बाहर खड़े हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों मित्रों से मैंने पूछा नहीं कि क्या उन्होंने फैकल्टी के अंदर मीटिंग करने की कोशिश की। मैंने नहीं पूछा। नहीं पूछा इसलिए कि मुझे पिछले 8 वर्षों से यह पता है कि ऐसी कोई भी कोशिश अब कामयाब नहीं होती। आप कमरा नंबर 22 में बैठक नहीं कर सकते, जहां हम लगातार हर विषय पर बैठक कर सकते थे। अब कैंपस छात्रों और शिक्षकों की पहुंच के बाहर है। हम सिर्फ क्लास ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी विषय पर जिस पर आप आज यहां चर्चा कर रहे हैं, अगर आप फैकल्टी के अंदर कोई हॉल मांगेंगे, आपको हॉल नहीं मिलेगा। यह हुआ है पिछले 8 वर्षों में कि हमारी जगहें हमसे छीन ली गई हैं, और यह बात सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस की नहीं है। यूनिवर्सिटी कैंपस की इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश के जीवन में यूनिवर्सिटी कैंपस एक अलग अहमियत रखता है। नेहा हों, उनके दोस्त हों, या अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग खान पान, अलग अलग रीति रिवाज के लोग हैं, वे अलग अलग समुदायों से आए हैं। जब वे कैंपस में पहुंचते हैं तो उनको एक अलग तरह की आज़ादी मिलती है। कैंपस आज़ादी की जगह है। लोगों को लगता है परिसर यानी चहारदीवारी, लेकिन परिसर में आते ही नौजवान अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। वे अपने समुदायों के बंधन से, परिवारों के बंधन से अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। इसलिए कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहला मूल्य, जिस मूल्य की रक्षा करता है, जिसको बढ़ाता है, वो आज़ादी का मूल्य है। यहाँ कोई लड़की क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, किसके साथ आप दोस्ती करेंगे, किसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से आपका फैसला होगा।
आप अपनी एक नई जिंदगी, आप अपनी एक नई सामूहिक जिंदगी बनाते हैं, यह कैंपस है। लेकिन क्या पिछले 8 वर्षों में भारत के कैंपसेस आज़ाद रह गए? यूनिवर्सिटी का मतलब, विश्वविद्यालय का पहला अर्थ है आज़ादी। और आपने 8 साल पहले से देखा होगा कि किस प्रकार जो लोग आज़ादी का नारा लगाते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। पूछा गया, ये आज़ादी का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये राष्ट्रविरोधी हैं। हम क्या चाहते, आज़ादी। ये नारा दरअसल पहले नारीवादियों ने लगाया था, नारीवादियों से यह नारा बाहर फैला। ये पूछा जा सकता है, जब भारत आज़ाद हो गया या पाकिस्तान आज़ाद हो गया, यह नारा दरअसल पाकिस्तान के नारीवादियों से होकर भारत तक पहुंचा। फिर औरतें आज़ादी का नारा क्यों लगा रही? फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आज़ादी का नारा क्यों लगा रहे हैं? और अगर आप यह प्रश्न करेंगे तो भीमराव अंबेडकर ने जो गांधी को कहा था उस बात को भी याद कर लीजिए। भीमराव अंबेडकर ने गांधी से कहा था, आप देश की बात करते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, बट गांधी जी, आई हैव नो होमलैंड, वी हैव नो होमलैंड, इस देश पर हमारा स्वामित्व क्या है, यह प्रश्न है। इसलिए 1947 के बाद आज़ादी का संघर्ष समाप्त हो गया हो, ऐसा नहीं है। वह आज़ादी का संघर्ष कैसे चल रहा है और कैसे रुका हुआ है, हम और आप तो फिर भी यहाँ मिल लिए और बात कर रहे हैं। गुजरात से सैकड़ों हजारों दलित एक यात्रा करते हुए दिल्ली आ रहे थे। उन्होंने एक विशाल काय सिक्का बनाया था और वे सिक्का देने जा रहे थे राष्ट्रपति को। आदिवासी राष्ट्रपति हैं, इसका बहुत गुणगान किया जा रहा है। दलित आ रहे थे एक आदिवासी राष्ट्रपति को सिक्का भेंट करने, वे हमला करने नहीं आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि दलितों की जो वास्तविक स्थिति है इसकी तरफ ध्यान खींचा जा सके। क्या हुआ? हरियाणा के पास उनको रोक दिया गया, दिल्ली में उनकी वे दाखिल नहीं हो पाए। यह आज़ादी है। आपने एक और चीज़ सुनी होगी जो आपकी उम्र के करीब के लोगों से जुड़ी हुई है। कितने लोग थे, शायद 1 दर्जन या 2 दर्जन, जो नागपुर से पैदल मार्च करते हुए आ रहे थे, वे लोग जो अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी थे, वे अपनी मांग लेकर तिरंगा झंडा लेकर, आजकल बिना तिरंगा लिए आप अपनी मांग नहीं कर सकते, है ना? एक मजदूर को अगर अपनी मांग करनी है तो तिरंगा लेना पड़ता है, छात्र को मांग करनी है तो तिरंगा लेना पड़ता है, पहले साबित करना पड़ता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, उसके बाद मेरी 2 जून की रोटी मुझे मिलेगी कि नहीं ये तय होगा। लेकिन वे तिरंगा लेकर आ रहे थे। क्या किया गया उनके साथ? पैदल आ रहे थे, याद रखिएगा। हम और आप यहाँ 2 घंटा खड़े रहेंगे, हमारी टांगे दुख जाएंगी। नागपुर से पैदल चलते हुए वे नौजवान यहाँ आ रहे थे, लड़के और लड़कियाँ। उनको उत्तर प्रदेश में जगह जगह गिरफ्तार किया गया, उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास सिर्फ एक तिरंगा था, वे पैदल चल रहे थे। रोका गया, गिरफ्तार किया गया, बसों में बैठाकर अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया गया। फिर वे जमा हुए, फिर एक साथ निकले, हरियाणा तक पहुँचे, फिर हरियाणा में उनके साथ यही किया गया, उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए, उनको तोड़ दिया गया, उनको अलग अलग बसों में अलग अलग जगह बैठा के तितर बितर कर दिया गया। क्यों? 12 नौजवान पैदल चलकर दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली में उनका प्रवेश नहीं हो सकता, दिल्ली अब इतनी असुरक्षित हो गई है, और दिल्ली क्या किसी की मिल्कियत हो गई है? यह प्रश्न आज से 2 साल पहले भारत के किसानों ने किया था, जब पंजाब से चलकर वो सिंघू पहुंचे, और सिंघू में जिस तरह की दीवार खड़ी की गई, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने उसको देखा है, बैरिकेड, उसके बाहर कीलें, और सड़क खोद दी गई जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, लेकिन जगह जगह पुलिस ने सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए कि वो आ ही ना सकें, बैरिकेड खड़े कर दिए। क्यों? ये दिल्ली किसकी है? इस दिल्ली पर स्वामित्व किसका है, मिल्कियत किसकी है? अगर
हम इस देश में अपनी बात नहीं कह सकते, अगर हम इस देश में अपनी व्यथा भी नहीं बोल सकते, अगर मुझे अपने देश की राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तो क्या मुझे यह देश अपना लगेगा? क्या जबरदस्ती मेरे गले में राष्ट्रवाद उड़ेल दिया जाए, डाल दिया जाए, वह राष्ट्रवाद क्या मुझे मीठा लगेगा किसी भी प्रकार? जब यह कहा जाए कि आप उन घरों के फोटो खींचिए जिन पर तिरंगा नहीं है, उस फोटो का आप क्या करेंगे? प्रश्न यह है, क्या आप उन्हें दंडित करें? इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल आजादी के 75वें साल में आजादी का है। आजादी जो इंसान का सबसे कीमती मूल्य है, सबसे कीमती भावना है। प्रोफेसर नीरा चंदोक जो राजनीति शास्त्री हैं, कुछ दिन पहले अपने एक व्याख्यान में कह रही थी और मुझे वो रूपक बहुत सुंदर लगा। उन्होंने कहा कि आप किसी बच्चे को दुलार करने के लिए जब अपनी गोद में लेते हैं तो वह आज़ाद होना चाहता है, वह आपकी गोद की कैद से भी आज़ाद होना चाहता है। यानी आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसको सिखाना नहीं पड़ता है। हम आज़ादी चाहते हैं क्योंकि हम हैं, और हमारे होने का मतलब हमारा आज़ाद होना है, किसी से नियंत्रित होना नहीं। कोई ये कहे कि मैं चूंकि तुमको दुलार करता हूं इसलिए मैं जो कहूं वो मानो, कोई माँ बाप अपने बच्चे को कहे कि चूंकि मैं आपको दुलार करता हूं इसलिए मैं आपके जीवन का सारा निर्णय लूंगा, यह अधिकार माँ बाप को नहीं है, यह अधिकार अध्यापक को नहीं है, यह अधिकार किसी संस्थान को नहीं है। वह आज़ादी 75वें साल में एक सबसे बड़ा सवाल बन के हमारे सामने खड़ी है। क्या हम उस आज़ादी को हासिल कर सकते हैं? क्या हम अपनी आवाज़ वापस हासिल कर सकते हैं? क्या समाज के वे तबके, हसदेव अरण्य में चल रहा आदिवासियों का संघर्ष, क्या हम उस संघर्ष के साथ खड़े हो सकते हैं? नागपुर से जो पैदल चल के आ रहे हैं, क्या हम अपना हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिला सकते हैं? क्या वे जो दलित जो हरियाणा की सीमा पर शायद अभी भी बैठे हुए हैं, क्या हम जाकर उनसे मिल सकते हैं? या वे सफाई कर्मचारी जो बार बार सीवर में उतरते हैं और बार बार जिनकी जान देती है, जो अभी पूरे भारत में घूम रहे हैं यह बतलाने के लिए, क्या हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं? और जो बात शुरू में कही गई, वह हिंदुस्तान का अभी का बुनियादी सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमान इज्जत के साथ सर उठाकर बराबरी के अधिकार के साथ आपके बगल में खड़ा रह सकता है? क्या उसको इत्मीनान का अनुभव होगा? क्या हमें फैज़ान की वो तस्वीर याद है जो आज से 2.5 साल पहले की तस्वीर है, जिसमें दिल्ली पुलिस के लोग फैज़ान और उसके साथियों को ठोकर मारकर जनगणमन गाने के लिए बाध्य कर रहे थे? अगर जनगणमन इस तरह से किसी से गवाया जाए जिसमें उसको ठोकर मारी जाए, उस पर लाठी बरसाई जाए और उसे कहा जाए तुम राष्ट्रगान गाओ, राष्ट्रगान गाकर दिखाओ, क्या वह राष्ट्रगान हमें अपना राष्ट्रगान लगेगा? ये सारे प्रश्न हैं जो हमें करने हैं। आज़ादी और आज़ादी का एहसास किनको है और किनको नहीं है, कौन बोल सकता है और कौन नहीं बोल सकता है, क्यों मोहम्मद जुबैर को सिर्फ यह बोलने पर कि ये हैं धर्मगुरु जो नफरत का प्रचार कर रहे हैं, क्यों सिर्फ यह कहने पर मोहम्मद जुबैर को तकरीबन 3 हफ्ते की जेल में रहना पड़ा? क्यों उस आज़ादी का कोई मोल नहीं था मोहम्मद जुबैर की, जो मैंने कहा पहला मूल्य है? मोहम्मद जुबैर की उस बात को सुनने में सर्वोच्च न्यायालय को 3 हफ्ते क्यों लग गए? सिर्फ मोहम्मद जुबैर का सवाल नहीं है। आज 12 तारीख है, कल 11 अगस्त थी, उमर खालिद का जन्मदिन, कल 13 तारीख है, 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्यों खालिद सैफी को गिरफ्तार किया गया? क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू की छात्र रही गुलफिशा को गिरफ्तार किया गया? क्यों सफूरा को गिरफ्तार किया गया? क्यों मीरान हैदर को गिरफ्तार किया गया? ये सवाल हमें करने पड़ेंगे। क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया? क्या इसलिए कि वे नागरिकता के कानून में जो संशोधन हुआ उसका विरोध कर रहे थे? और क्या नागरिकता के कानून के संशोधन का विरोध करने का हमें अधिकार नहीं है? क्या हम उसका विरोध नहीं कर सकते? क्या उसका विरोध करने का मतलब इस राष्ट्र का विरोध करना है? क्या हम ये नहीं बतला सकते कि आपने भारतीय नागरिकता की परिभाषा को दूषित कर दिया है इस कानून को लागू करके,
और हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हम भारत की नागरिकता को धर्म निरपेक्ष रखना चाहते हैं, उसकी परिभाषा को विकृत नहीं करना चाहते हैं, हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं चाहते हैं। आप असम जाइए, आप में से जो लोग असम को नहीं जानते हैं वे असम जाएं, असम में लोगों से मिलें और उनसे पूछें कि NRC में अपना नाम दाखिल कराने के लिए उनको क्या क्या तबाहियां झेलनी पड़ी हैं। 17 लाख लोग NRC से बाहर हैं, 17 लाख जो बरसों बरस से हिंदुस्तान में रह रहे थे, और उनमें 15 लाख हिंदू हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। असम के डिटेंशन कैंप में हिंदू हैं, क्यों? क्योंकि यह सरकार कहती है अब हम तय करेंगे कि आपके पास फला 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 कागज होगा तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, और अगर आपके पास कागज नहीं है जो हम कहते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, रजिस्टर में आपका नाम नहीं होगा। इसलिए आज, जैसा मैं कह रहा था, आज की घड़ी जश्न की घड़ी नहीं है। आज जब हम यहाँ इकट्ठा हैं, असम के डिटेंशन कैंप में कैदी उन लोगों को याद करें जिनकी नागरिकता पर संदेह किया गया है, उमर खालिद को याद करें, गुलफिशा को याद करें, मीरान हैदर और बाकी तमाम लोगों को याद करें, खालिद सैफी को जो आज़ाद नहीं है, उन सारे मुसलमानों को याद करें जिन्हें कभी भी मारा जा सकता है और मारा गया है, गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर, भारत के अलग अलग हिस्सों में, उन सब को याद कीजिए। जुनैद को याद कीजिए, 15 साल का जुनैद, जो ईद में सामान की खरीदारी करके ईद की पहली शाम को अपने घर लौट रहा था और ट्रेन में जिसे चाकुओं से गोद कर मार दिया गया, क्यों? क्योंकि उसका नाम जुनैद था, और जिसने उसकी हत्या की वो आज़ाद है और वह आज भी पंचायतें कर रहा है, यह ध्यान रखिए। जिसने जुनैद की हत्या की वो आज़ाद है। जो इन हत्याओं में शामिल हैं, जो घृणा प्रचार में शामिल हैं, वे आज़ाद हैं, वे सभाएं कर रहे हैं, वे मुसलमानों के जनसंहार का आह्वान कर रहे हैं। इस समय हम सब लोगों को, जो ज़्यादातर छात्र और अध्यापक हैं, हमें अपने कर्तव्य तय करने हैं। वो कर्तव्य क्या होंगे? क्योंकि हमें कुछ सुविधाएं हैं, वो सुविधा इस देश के ज़्यादातर लोगों को नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें सुविधा आज़ादी की है, उस आज़ादी का इस्तेमाल, जो सुविधा हमें है, हम बाकी आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं, यह हमें तय करना है। और यह तब तक नहीं हो सकता, अगर हम अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, जब तक हम दूसरों की आज़ादियों को सुनिश्चित न करें, उन जगहों की पहचान न करें जो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, अपने आप को भुलावे में न रखें, छलावे में न रहें, धोखा न दें खुद को। दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, खुद को नहीं। हम जानते हैं कि जब घर घर तिरंगा में हम शामिल होते हैं, मर्जी से नहीं शामिल हो रहे हैं, हम एक धोखे में शामिल हो रहे हैं। हम इस धोखे को पहचानें, इस धोखे की बात करें, इस देश को बता सकें, इस देश की जनता को, कि वह एक बहुत बड़े धोखे में गिरफ्तार है और उस तिलस्म से उसे आज़ाद होना है। यह काम हमारा और आपका सबका है, मुश्किल है, लेकिन इसीलिए किया जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।